डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच मटीरियल कैन, मटीरियल कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू वायर्स। देखिए, हम जब किसी चीज को खींचे और खींची जा सके और उसको वायर में बदला जा सके, जैसे कि हमारे पास कॉपर है, कॉपर की वायर आप देखो सब तरफ आपके पास वायर जो है कॉपर की दिखेंगी। आपने बार बार आपको कह रहा हूं, आपने सिर्फ डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना, आपको जब भी कॉपर की तार दिखे, जब भी आपको कोई भी वायर दिखे, आपको बिजली की तारें दिखे, आपको ये रहा डक्टाइल मटीरियल। जब आप ये बोलेंगे कि ये देखो ये रहा डक्टाइल मटीरियल, तब आपके माइंड में अपने आप बैठने स्टार्ट हो जाएगा कि डक्टिलिटी किसे कहते हैं। और इसमें एक रेंज है, इस रेंज इसको लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो इसकी एक रेंज वैल्यू है उसको लिख ले बेटा। हमारे पास क्या है, गोल्ड सबसे पहले, गोल्ड, उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्लैटिनम, प्लैटिनम, उसके बाद हमारे पास आता है सिल्वर, आयरन, फिर है आयरन, उसके बाद है हमारे पास कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर है कॉपर, फिर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद निकल, उसके बाद जिंक, ओके, और जिंक के बाद टिन, जिंक के बाद क्या है टिन, इसको लिख लो एक बार। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया, टिन, लीजिए ठीक है, टिन को ऐसे पूरा लिख लो, टिन, ओके, इसको लिख लिया होगा। तो हमारे पास किसी चीज को इस तरह से जब वायर्स में बदला जा सके उसको डक्टिलिटी।